ये मौज करने के लिए हम लोग वालों ने हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिवाली के जस्ट बाद जो बीज आती है भाई दूज, उसके ऊपर बिना दीदी हमारे घर पे आए थे और अभी यहीं पे है। और बिना दीदी को यहाँ आने के बाद क्या मस्त एक गुड न्यूज़ मिली है, वो गुड न्यूज़ से हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बिना दीदी बन चुकी है दादी बिना दीदी बन चुकी है दादी, जिया जी बन गए हैं दादा, और हनी बन गया है ताऊ जी और तू दादी के मैं मामी हाँ। मैं मामी नानी बन गई मैं मामी नानी बन चुकी और बनी किसकी बनी पापा बन चुका है, और बनी के 8 बच्चे आए, 8 बच्चे मैं 7 आए, अभी तक 8वां इन प्रोसेस है। तो आप देख सकते हो कितने क्यूट क्यूट बच्चे आए, और विशेष भी आ रहे तो आप ये विशेष भी पढ़ सकते हो। देखो, बिना जयेश बिना के घर फिर से किलकारियां गूंजी, जय दादा और बिना दादी बन गए, बनी पापा बन गया, पर ये है ना हनी को लिखना भूल गए थे क्योंकि हनी ताऊजी बन चुका है और मम्मी पर नानी बन गई, आप मामा नाना बन गए। इसमें हनी बहुत दुखी है, मुझे पति तो बनाओ नहीं बनी को छोटे छोटे कुत्ते दिखाओ, आपके फोन में फोटो दिखाओ ना, हाँ कैसे करता है एक आइडिया। तो क्या अभी हम बनी को भी यानी क्या कहते से गुड न्यूज देने जा रहे हैं कि तू पापा बन चुके। उसको मेरे पास नहीं आया बनी, नहीं नीचे बैठ जाऊ मुंह में बॉटल डाल के बैठा है पापा बन गए देखो। ओए इग्नोर ये बोल रहा है कि मेरे को प्यार नहीं करोगे। मस्त बैठ गया, इसको कोई फर्क नहीं है, पता ही नहीं है ना इसको कुछ। आएगा तब पता चलेगा। हाँ। आएगा तो खिलाएगा फिर इसके साथ, बहुत खेलेगा। ये मिट्टू के सोने की स्टाइल है, एक ही पैर पे सोया है, मुंह पीछे डाल के सोया है, इसको नींद आ गई है। ओहो, इतना बदमाश है, कोई आया इसलिए तुरंत आके खुल जाएगी। और हमारा खाना बन गया है, खाने में आज बना है पकौड़ी वाली कड़ी, यहाँ से राइस बन रहे हैं, आटा गूंद दिया है, तो फटाफट से खाना बनाते हैं। फिर बिना दीदी और बिना दीदी आते हैं, जब भी आते हैं तब हमारे घर में काम वाली नहीं आती है, क्या बुलाते नहीं हो इसलिए हम मना बोल देते हैं, हम मना बोल देते हैं बिना दीदी आ रही है काम वाली बंद कर दो बिल्कुल। इसलिए बिना दीदी जब भी आते हैं तब बिना दीदी को काम करवाते हैं, कपड़े वाली भी नहीं आ रही है, न झाड़ू पोछे वाली आ रही है, कोई भी काम वाली नहीं आ रही है। सब जनों ने खा लिया है, हम 3 जनों के खाना बाकी है, हम 3 जने बैठ के खाना खा रहे हैं। खावा भावे सॉरी दही लेके आओ ना खाना सबका हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं बिना दी और दोनों नौपन चार ज्वेलर्स, क्योंकि बिना दीदी को कुछ काम है इसलिए। क्या देख रहे हो? अच्छा, ये 2700 की है। बड़ी लोन है 3500 रुपये क्या बेटी? बड़ी लोन, बड़ी तो मैं हूँ। तो क्या लेना है अभी यूँ बताओ? चौमी लेनी है,
दीदी ने डायमंड का लॉन्ग लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, चमक रहा है डायमंड डायमंड पे डायमंड चमक रहा है अच्छा लग रहा है, पर मस्त लग रहा है। मैं पूरी औरत वाली नहीं पर पापा के घर आई हूँ, लगना चाहिए शादी शुदा आई है। घर जाके सब ये झूम, ये बनी पापा बन गया, चलो अब बिना दीदी ही रवानगी हो रही है, मैं भी शॉप पे जाती हूँ, तैयारी करती हूँ। इतनी देर तक सोए हुए थे, वापिस मेरा परफ्यूम लगा के घूम रहे हो। पर्पल कलर का लड़कियों का ही होता है, मेरा फेवरेट है पर्पल, परफ्यूम भी मेरा फेवरेट है। बिना दी और बनी और हनी सब जने निकल रहे हैं अब, और मैं भी दुकान के लिए निकल जाती हूँ क्योंकि शॉप पे वेट कर रहे कस्टमर, इसलिए सैलून का काम हो चुका है कंप्लीट। अब मैं जा रही हूँ घर पे, घर पे मैं जा रही हूँ कल्याणपुर केकेपुर, क्योंकि चिकू को भी जाना है और मम्मी का भी कब से फोन आ रहा है दिवाली का मिलने आओ, तो हम लोग जा रहे हैं केकेपुर। बिना दीदी गई अच्छा भी नहीं लगेगा, घर तो सुना सट लगने वाला है। अभी मैंने एक रील पोस्ट करी है, जाके देखो बहुत मजा आया, पूरी दिवाली फेस्टिवल के ऊपर है। ऑर्गेनिक हार्वेस्ट पर आज तक का शॉप करो पे सबसे बड़ा ऑफर आया है, क्या ऑफर है वो मैं आपको रिवील करने जा रही हूँ। ऑफर ये है कि आप ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का कुछ भी परचेज करते हो उसके साथ शॉप में बहुत सारे प्रोडक्ट आपको आसपास देखने मिल जाएंगे, वो सेम एमआरपी के फ्री है, बहुत बड़ा ऑफर है, देखो देखो काफी मजा आएगा। और व्लॉग्स में भी आप कंटिन्यू बने रहते हो तो अब तो आपको पता रहता ही है शॉप पर क्या क्या प्रोडक्ट्स नए आ रहे हैं, अब आपको किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो ऑर्गेनिक हार्वेस्ट में तो है ही वो प्रोडक्ट्स, और बाकी शॉप पर भी अवेलेबल है, तो बहुत अच्छी डील है। हमने भी लिया अभी घर के लिए, घर के लिए लिया है बाय वन गेट वन फ्री ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का हैंड वॉशेज, और मेरे को है ना मेरे को बॉडी वॉश भी चाहिए, मेरे बॉडी वॉश खत्म हो गया, मैं कौन से ब्रांड का लूँ। सो अभी हम निकल रहे हैं, मैं तो कुछ भी रेडी नहीं हुई हूँ, सिर्फ अभी जूते ले लेती हूँ, और मैंने लगा दिया है मेरा परफ्यूम, चिकू को मैंने कपड़े चेंज कराए, ऐसे कपड़े पहन लिए थे अभी चेंज कराए, एकदम हीरो माफिक बना दिया, हीरो माफिक बना दिया आपको। तो गाड़ी में आ जाओ भाई, मैंने चिकू को क्या बोला, वह आप तैयार हो क्या, मैं गाड़ी मुड़ाती हूँ। अब ये चीज़ सही हो सकती थी अगर आप मुझे गाड़ी सिखा देते तो, मम्मी को बोल दी थी हम जा रहे हैं घर पे, भाई जी काम कर रही थी इसलिए। अरे यार ये तो जोर हो गया यार, कल्याणपुर हाईवे बन चुका है, ये मौज कर दी कल्याणपुर वालों ने ये इसका पूरा सही हो गया इसमें, पर अच्छा हो गया। इतनी ज्यादा दिक्कत होती थी कल्याणपुर जाने में, और जाने की इच्छा तक भी नहीं होती थी रोड की वजह से, पर अभी तो मस्त हो गया एकदम रोड। सुबह आएंगे फिर कल, अच्छा रात को आएंगे, सिर्फ 2 मिनट की थी, रोड आ चुका है। यश ने बोला है नहीं फूल अच्छा हो गया मस्त रोड ठेट तक चकाचक, और कल्याणपुर वालों को पता नहीं है, सिर्फ मैंने बोला था कि हम आ सकते हैं, ऐसा भी नहीं बोला है आ ही रहे हैं, क्योंकि आजकल तो हम सरप्राइजेस ही नहीं देते, जब भी देखो जाके खड़े हो जाते हैं हम वहाँ पे। आप मेरा हाथ जिस हिसाब से शेक हो रहा है उस हिसाब से आप पता कर सकते हो कि रोड की क्वालिटी कितनी ज्यादा अच्छी है। आ चुका है हाईवे, सही है, थोड़ी देर के लिए खराब था, अब आगे जाके दिखते हैं, तो देखते हैं और कितने तक अच्छा है ये। क्या कर रहा है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली पापा, कैसे हो, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तो यहाँ तो मैच चल रहा है, किसका है आज मैच, इंडिया साउथ अफ्रीका, ये भाई साहब तो खेलने गए थे, हम जैसे ही आए अभी आए हैं और आके भी मैच के ऊपर पड़े हुए हैं, यानी बहन जीजू है कोई पड़ी नहीं है, कुछ भी पड़ी नहीं है। चलो हम मम्मी भाभी क्या कर रहे हैं अंदर जाते हैं, खाना बना रहे दोनों चिन्हगी से, खाना यहाँ पे लग गया है, सब जने बैठ गए खाना खाने के लिए, मम्मी वहाँ पर अमेरिकन भुट्टे सेक रही है, उन्हें बता दूंगा
पापा तब एम कहीं तुझे शक पैदा करो मन कर नजर में। खाना हो चुका है, मम्मी और भाभी दोनों अंदर अभी अवेयर है और मैं जा रही हूँ पापा के पास बाहर। चिगो और उसके जीजू दोनों बाहर घूम रहे हैं, पापा के साथ बाहर वॉकिंग करती हूँ थोड़ी देर। खाना खाया है तो क्या पता पापा का गए अंदर बैठती हूँ फिर मम्मी और भाभी के पास और क्या। पापा तो यही नहीं बाहर, यश और इसके जिया जी दोनों जने मार्केट जाके आ गए और मैं यहाँ पे बैठ बैठ गुस्सा खा रही हूँ। पापा मस्त वॉकिंग करने उनके दोस्तों के साथ गए। सो फ्रेंड्स अभी डिसाइड हुआ कि हम ऋषभ देव के लिए निकल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा देर हुई नहीं और 10-12 मिनट का रास्ता है तो चले ही जाते हैं। ठीक है जा रहे हैं। ओके बाय 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 मम्मी। ओके बाय भाभी आना बाय मम्मी बस धरा के रह के। ओके ब्रो पधारना कल्याणपुर केशव जी सॉरी। ओके बाय बाय एक सेकंड में प्लान बन जाएगा बस चलो बाय बाय। ओके आना भी एकाएक और जाना भी एकाएक कैसा हुआ ठीक है वाह ओके ओके बाय। तो कल्याणपुर से हम दोनों निकल चुके हैं और फटाफट से पहुंच जाते हैं घर पे, घर जाके मस्ती से सोएंगे। पूरा सुनसान रास्ता हो गया नहीं एक गाड़ी मिली अभी एक गाड़ी मिली बाकी एक गाड़ी भी नहीं है। घर पे आ गए, ये गेट है जो खोल रही हूँ। घर आ गए और यहीं पर मैं कर देती हूँ ब्लॉग का फाइनली एंड। अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना और